डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन की वर्किंग को। तो इलेक्ट्रॉन गन की जो वर्किंग है वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइस को डिस्कस कर देते हैं। ये डिवाइस जो है ये बहुत ही पतली और इंटेंस बीम इलेक्ट्रॉन की प्राप्त करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर F देख रहे हैं आप, ये F जो है ये एक फिलामेंट है और ये टंगस्टन का फिलामेंट है जो कि थोरियम ऑक्साइड से कोट किया हुआ है। F है आपका फिलामेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका ये बैटरी यहाँ पे लगी हुई है और इस बैटरी से 6 वोल्ट हमको प्राप्त होता है। जो करंट पास होगी बैटरी से वो एफ फिलामेंट से होती हुई क्रॉस होगी। सी यहाँ पे आप देख सक रहे हैं ये कैथोड है, जी जो है वो ग्रिड है और A1 A2 दोनों एनोड्स हैं। तो सबसे पहले जब करंट पास होगी बैटरी एफ से तो जो कैथोड है टंगस्टन फिलामेंट का, ये कैथोड जो है ये हीट हो जाएगा। हीट होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स थर्मायोनिक एमिशन से एमिट होंगे। जब हम थर्मायोनिक एमिशन कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कैथोड के गर्म होने की वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमको किस फॉर्म पे चाहिए? बहुत पतले से बीम के फॉर्म पे चाहिए। तो फिर बीम के फॉर्म पे अगर हमको चाहिए तो उस वजह से ये जो सी है इसको एक सिलेंडर के अंदर रखा गया और इस सिलेंडर का नाम दिया गया ग्रिड, जिसको हम जी से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। जी जो है उसको नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है कैथोड के रेस्पेक्ट में। तो इससे ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से आ रहे होते हैं उनको एक रिपल्सिव फोर्स मिलता है, क्योंकि ये जी जो है वो कैसा रखा हुआ है? नेगेटिव है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव चार्ज हैं, तो एक रिपल्सिव फोर्स उनको मिलता है। तो जब उनको रिपल्सिव फोर्स मिलता है इसका मतलब यहाँ पे एक बहुत पतली सी बीम हमको मिलती है। अगर हम पोटेंशियल को जी पे पोटेंशियल जो है उसको बदलते हैं तो हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो कि निकल रहे होते हैं इस ग्रिड से उसको चेंज कर सकते हैं। ग्रिड में से निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का बीम है वो पास होता है एक ऐसे क्षेत्र से, एक ऐसे रीजियन से जो कि दो एनोड्स के बीच के रीजियन से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बीम जो है वो आपका पास होता है। तो ये जो रीजियन है यहाँ पे ओपनिंग है इसके आगे एक्सिस के अलोंग, A1 और A2 जो है वो काफ़ी हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहते हैं कैथोड की अपेक्षा। तो इससे ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन मिल जाता है और इस वजह से हमको एक बहुत पतली सी और बहुत इंटेंस सी बीम मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये वर्किंग होता है आपके इलेक्ट्रॉन गन का। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।